खबर शामिल करते हैं। वफाकी हुकूमत ने चंद दिनों के फर्क से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर होश रबा इजाफा करते हुए खुद को अवाम का वो खातम साबित किया है जो अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। पहले ही महंगाई की चक्की में पिसने वाली अवाम जहाँ एक तरफ खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफे से परेशान है, वहाँ पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे से इन पर वो बोझ पड़ेगा जिसकी तारीख में कभी पहले मिसाल नहीं मिलती। सवाल ये पैदा होता है कि ये कीमतें सिर्फ आवाम के लिए बढ़ाई जा रही हैं या मुल्क के फ़ायदे के लिए। अगर ये कीमतें मुल्क की मईशत पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए बढ़ाई गई तो ये दुरुस्त ना होगा कि कीमतों में इजाफे का बोझ आवाम ही नहीं बल्कि आला तरीन सरकारी अहदेदारान अरकान पार्लियामेंट वजीरों मुशीरों सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स पर भी मुंतकिल किया जाए। कई ऐसे अहदेदार हैं जिन्हें ना सिर्फ मुफ्त पेट्रोल बिजली गैस और फोन की सहूलियतें हासिल हैं बल्कि इनके बच्चों और अहले खाना के हमराह मुफ्त फजाई सफ़र और लाखों करोड़ों रुपये मालियत की तिबी सहूलियात भी मौजूद है। पाकिस्तान जैसे कर्जों के जाल में जकड़े मुल्क की आवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर अशराफिया तबके और आला सरकारी अहदेदारान को ऐसी पुरऐश मराद देकर आवाम के साथ मसीहाई के दावे मजाक के सिवा कुछ नहीं।